कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह, अपने अपने घर में अपने बच्चों के साथ। अल्लाह ताला आप सबको अपने जुबान में रखे और हमें भी अपने अमान में रखे। तो आज मैं रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये तो मैंने लंच में साबुत मूंग दाल बनाई थी, तो वो शेयरिंग वाला सिलसिला जारी है कि बस आप लोगों से शेयर किए बगैर तो सुकून आता नहीं। तो कभी दालें अच्छी लगती तो कभी सब्जियां। पहले बता चुकी हूँ मैं आप लोगों के, चिकन और गोश्त वगैरह, मटन बीफ बहुत कम खाते हैं। चिकन फिर भी खा लेते हैं कभी कभार, लेकिन गोश्त और मटन बहुत ही कम। बीफ और मटन, बीफ तो हम खाते हैं कोई बस ईद पे, बकरा ईद पे बीफ खाते हैं, लेकिन मटन वो खाते रहते हैं कभी कभार, लेकिन ज़्यादातर यही दालें और सब्जियां। तो ये मैंने टमाटर छील के रखे थे, छील कर और काट के रख दिया। अगर उधर आपके सामने ये काम करती हूँ तो फिर वो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें तैयार करके रखती हूँ। और मुझे आदत भी है, ये मैं धनिया आपने उगाए हुए थे तो उनके ये ग्रीन जो कच्चे कच्चे बनाने में बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ टेस्ट भी होता है। तो ये दो तीन फूल मैं तोड़ कर लाई थी इसमें डालने के लिए, तो ये दाल मज़े की बन जाएगी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा खुशबू होती है। तो ये मैंने अपने छत पे उगाए हुए हैं गमलों में, तो पता नहीं क्या कह रही थी आप लोगों से मैं। हाँ, तो ये मैंने दाल बनाई थी और आजकल गर्मियाँ बढ़ गई हैं इस्लामाबाद में भी, पहले तो बारिशें हो रही थी तो अच्छा मौसम था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ हो गई हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो एक वीडियो में मैंने पंखा चलाया है, अभी एसी ऑन नहीं की, ये इंशाल्लाह अभी मई में शुरू करेंगे एसी को, रमज़ानों में स्टार्टिंग होगी। ये दाल मेरी तैयार हो चुकी, तो पंखा चलाया तो मैंने वो आवाज़ ठीक से नहीं है उस वीडियो में आई, तो ये मैं बनाने जा रही हूँ ये स्टफ बन वेजिटेबल की, वेजी स्टफ बन बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। ये रात को मैंने बनाए थे, सुबह बच्चों को मैंने क्या रात को बना के रख दूँगी, तो सुबह बच्चों को लंच कॉलेज के लिए और स्कूल के लिए दे दूँगी, बच्चे लंच लेकर गए। तो ये मैंने रात को बनाए थे देर से, कल बनाए थे ये मैंने। शायद थर्सडे, थर्सडे को, थर्सडे वाले दिन नाइट में मैंने ये बन बनाए थे। ये बंद गोभी है, शिमला मिर्च, गाजर और सोया सॉस नहीं डाला मैंने, सोया सॉस नहीं सॉरी, ये चिली सॉस डाला और केचप, इसके साथ इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो उधर मैंने चाय रखी हुई है, मैंने क्या रात को साथ में ये भी काम करती हूँ और चाय भी पी लेती हूँ।
ये डो की रेसिपी तो शेयर की हुई है पहले आप लोगों से, तो मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, पहले से बना के रखती थी। तो इसको 3 बार मैंने पंच आउट किया है। उसके बाद भी फिर इतनी अच्छी डो बनी, फिर भी 3 बार के बाद भी ये बहुत ज़्यादा फूल गई थी, अच्छी बन गई, बहुत ही सॉफ्ट बनी डो। तो ये कुछ इसमें से वही कोई 3 कप मैदा था, इसमें से ये कोई 4 बन बन जाएंगे। और एक मैंने ब्रेड बनाई, वेज ब्रेड, ये फिश डिज़ाइन वाली, तो फिश फिश वाला शेप दे दिया मैंने इसको। आप भी सोचते होंगे कि मैं बहुत ज़्यादा बस सिर्फ खाने शेयर करती रहती हूँ, तो इंशाल्लाह किसी दिन पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, सुबह से लेकर नाइट तक अच्छा सा व्लॉग बनाऊँगी। बड़ा टाइम नहीं मिलता, कभी लंच की कर लेती हूँ, कभी डिनर की, बच्चों का नाश्ता वो दुकान नहीं कर पाती, सिर्फ अपना ही कर पाती हूँ मैं। ये मैंने वेजिटेबल जो बनाई थी वो रखी, उसके ऊपर मैंने ये चीज़ स्लाइसेस रखे, ऊपर से थोड़ी ओरिगानो डाल दी मैंने, तो इसमें पिज़्ज़ा का टेस्ट भी थोड़ा सा आने लगा। तो ये एक मैंने बैठ करके रखा था, वेट किया, और अब बस एक वॉश करूँगी के ऊपर, और थोड़ी सी ऊपर से मैं कलौंजी डाल दूंगी। तिल मेरे पास थे नहीं, इसलिए मैंने कलौंजी, और कलौंजी अच्छी होती है सेहत के लिए, बेकिंग में कलौंजी यूज़ की जाए तो ये अच्छी होती है। बेकिंग वाली चीज़ें खाने से बंदा वेट बढ़ जाता है, अगर कलौंजी ऊपर डाल दो तो फिर वो उतना वेट गिनने वेट नहीं बढ़ता। तो ये तैयार है बन और ब्रेड, तो इसकी मैंने आँख बना दी थी फिश की, ओलिव का एक पीस लेकर उसमें डाल दी। ये देखें सॉफ्ट बन गई, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। बन भी सॉफ्ट बनी अच्छे। अभी कल या परसों बनाने वाली हूँ ब्राउनीज,